आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य विज्ञान के सेट 6 को लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति जो है हवा में जो है धीमी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं। तो वह जो है सोना को जो है हम लोग नोबल धातु कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के मिट्टी को नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो वह जो है मटर की फसल में जो है फसल के मिट्टी को जो है नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाना पकाने वाले जो सोडा का रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो रबर को कड़ा करने के लिए जो है सल्फर को मिलाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो है सोडियम क्लोराइड है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो लोह अयस्क जो है प्रकृति में ऑक्साइड की अवस्था में जो है पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है। तो जीवन के लिए जो है सबसे विषैली गैस CO है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सही सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का सही सूत्र जो है NaHCO3 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो है कार्बन में चार होती है, कार्बनिक यौगिक में जो है चार होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में जो है वह 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल 8 अस्थियां होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह जल है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन जो है डायलिया के जड़ों से जो है पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, इंसुलिन जो है डायलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना को जो है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है रेफ्लुसिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता का जो रक्त ग्रुप होता है वह होता है ओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह सिकुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, सबसे लंबा जो वृक्ष है वो है सिकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन जो है वह एंटीपिरेटिक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है वह स्थनी में जो है वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है, तो HIV द्वारा जो होने वाला रोग है वो है एड्स, तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्बिक अम्ल, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष में जो जीन संगठन होता है वह XY होता है और स्त्री में जो होता है वह XX होता है, तो जो पुरुष का पूछा है तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो है हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बिहार कांस्टेबल पुलिस से पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।